साथियों, आज तुम लोगों ने कलावती को अच्छा मजा चुकाया है। पुलिस को क्या दे दी? अगर हम उसे आगे पहुंचाते तो पैसे कमा सकते। ये मत भूलो कि हमारा लक्ष्य पैसे कमाना नहीं, कलावती की बर्बादी है, जो आज से शुरू हो चुकी है, शुरू हो गई है। अब तो आज जश्न होना चाहिए। जश्न होगा, जरूर होगा, पर कलावती के खात्मे के बाद। जोसेफ जी मैम, ये सब क्या है? सजावट पार्टी के लिए। पार्टी? किसने बोला ये सब करने को? नंदी मैडम ने कहा। जाओ। किस बात की पार्टी है ये? तमीज भूल गए है क्या? जानती नहीं कि किसी के कमरे में खटका के आना चाहिए? अरे मैं तो भूल ही गई थी, आप तो मालकिन साहिबा हैं, किसी भी कमरे में आ सकती हैं बिना नौक की। चल अब आ ही गई है तो तैयार करना चाहिए। अच्छा मैंने पूछा किस बात की पार्टी है ये? कोई पार्टी नहीं, कोसला है फालतू का। चैत्रा महीना चल रहा है ना, साल की नई शुरुआत का महीना, ऐसा ही कुछ मानते हैं। तो वो क्या है ना कि अब इस घर की इकलौती सुहागन बहू मैं हूं ना, तो अगर मैंने इस घर में दिए नहीं जलाए तो अस्तबल में बैठे तेरे ससुर बुरा मान जाएंगे। वैसे मैं तो चाहती नहीं हूं ये सब करना। मानते हैं बुरा तो माने, मुझे तो नहीं होना तैयार रहने ही देते। नहीं नहीं, अच्छी बात है, इसी बहाने इस घर के संस्कार तो जिंदा रहेंगे। तो जा कहाँ रही है? आजा, लगा मेरे पैर में अलता। करके बैठो। नहीं, क्या कर रहे हो? मैं कर लूंगी पापा, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। ये क्या बात हुई? तुमसे शादी कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक सुहागन की तरह सजा नहीं सकता। मैं लगा तो फिर देखते हैं मिस्टर सुहाग, आलता लगाते बनता है या नहीं। Oh,
जा रही? कहाँ जा रही है? मेरी जान, सिंदूर कौन लगाएगा मुझे? मांग सुनी रखूं क्या अपनी? लगा देना, मैं लगाऊंगी तो हाथ पूरे लाल हो जाएंगे। जी क्या कहते हैं? जब एक शादीशुदा औरत अपनी मांग में सिंदूर भरती, भगवान के सामने सिर झुकाती, भगवान उसी सिंदूर के जरिए उसके पति को भी आशीर्वाद दे देते। How convenient। एक बूंद इश्क में हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क में निशानी पे लगा है। वाह, क्या बात है नंदू। और मेहमान कहाँ है? यहाँ पे साफ है। मैं, हमारी तन्हाई, इस तन्हाई में बचेंगे। ताके, अब इंतजार है तो बस अपने मेजबान का, जिसे हमें तोड़ना। पटाखे वटाखे तो ठीक है, तो कुछ मेहमान भी होने चाहिए था ना। हाँ, रौनक आती, थोड़ा रंग आता, लगता कि कुछ खर्चा किया। याली, तुम भी ना ऐसी बातें करती हो। अगर मेहमान होते तो हम थोड़ी ना रह पाते। कमीने है ना हम दोनों, सबके सामने अपना कमीनापन कैसे निकालते। हाँ, लोमड़ी है मेरी, शिकारी लोमड़ी। तेरी खरगोश आएगी कि नहीं? जरूर आएगी। उसे इस घर के संस्कारों की दुहाई दी गई। हाँ, तो कार्यक्रम शुरू करें। अरे शुभ काम में देर कैसी? आओ। और मां तो आई नहीं अभी तक। अरे कैसी बात कर रही है? हम है ना भाई, जब आप मालकिन हैं, हम तो मेहमान ही हुए। और मालकिन साहिबा के स्वागत के लिए सिगरी भी चलाए गए। अरे हम तो भूल ही गए, जरा देख कर आते हैं दाल पकी के नहीं। देखना पड़ेगा दाल गली के नहीं। स्वाद कैसा है बताना। ओहो हो हो, नमक कम है कि ज्यादा? मसाला ज्यादा हो गया क्या? देख, जिस बात का डर था भाई, वांगीठी ठंडी हो गई। फिकर नॉट पति दे, आग को भड़काने का सामान है मेरे पास। क्या कह
से सुहागन का जोड़ा, इसका तो क्रियाकर्म कर देना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, कुछ मत करना तू। जब सुहाग ही नहीं रहा, नहीं 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 नहीं, तो इसका क्या फायदा? नहीं 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 ना। के पेपर्स पर साइन करेगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं करूंगी। सुना तूने? कान खोल के सुन ले नंदू, मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स पर बिल्कुल साइन नहीं करूंगी। जो मुझे कितनी गिर गई है नंदू, इसी का तो इंतजार था मुझे। सिंदूर की डिब्बी, इतनी सा समझ के नंदू। अरे तेरी चूड़िया, तारा की चूड़िया, ये रहा तेरा मृत्युंजय। नंदू, इन तस्वीरों को देख के बात करती थी ना तू उससे? तू तू गलत करी नंदू, ये दिखती मत कर। बता, साइन करेगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। जाओ मुझे। जब तस्वीरें ही नहीं रहेगी तो किससे बात करेगी तू? बचा ले अपने मृत्युंजय को, बचा ले। कहाँ है सब लोग? अब सब लोग सो गए हैं। तुम नहीं सोए? वो तुम नहीं आए थे तो अब मैं खाना लेकर आती हूँ। खाना कल के लिए रख दो, मैं खा के। अब नौकरी मिल गई क्या? नहीं। तो खाना भी नहीं खाया होगा। नहीं। इंटरव्यू अच्छा नहीं गया क्या? इंटरव्यू तो अच्छा हुआ, लेकिन दुश्मन ने उन्हें पहले ही फोन करके बोल दिया था कि मुझे नौकरी ना मिले। जिन सबको मैं दोस्त समझता था ना, वो सब पीछे हट। आज पता चला कि सब लोग शेखावत परिवार के वारिस के दोस्त थे। का कोई नहीं। वो पंक्तियां याद है ना, लहरों के डर से नैया पार नहीं जाती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए हमेशा हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे साथ हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं आती, मैं सिर्फ इस परिवार के साथ हूं, क्योंकि मैं इस परिवार का भला चाहती हूं। हाय हाय, इश्वरा कैसे रो रही है बेचारी? ये आंसू ना ना ना, पति चला गया
और अब चला गया मतलब? अरे चलता किया। हाँ हाँ पतिदेव, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि पति तो पहले ही चला गया था, लेकिन अब तो उसकी यादें भी चली गई। क्या करेगी ये? हाँ इन्हीं के सहारे तो जिंदा थी ये, अब वो भी चली गई, क्या करें? हम भी रोए इसके साथ। हंसे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नहीं नहीं चूर चूर नहीं, राख राख हो जाएगा। पहले तेरा पति राख हुआ और अब उसकी यादें। देख तूने हाथ बढ़ाकर उसकी आखिरी तस्वीर को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन क्या हाथ आया? राख, हर तरफ सिर्फ राख। इसके सहारे जिएगी, क्या करेगी? हर तरफ राख। मेरे मृत्युंजय मेरी आत्मा में बसे हैं, तुम मुझे राख भी कर दोगे ना तो भी उन्हें नहीं मिटा पाओगे। मृत्युंजय मेरे अंदर जिंदा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अब विश्वास हुआ कि मेरे मृत्युंजय किस कदर मेरी आत्मा में बसे हैं। अब अगर उनकी यादों को मेरे अंदर से मिटा सकते हो तो मिटा कर दिखाओ। बड़ा कमजोर करने चली थी अपनी बहन को, अरे वो मृत्युंजय की राख को घोल के पी गई, जैसे हम स्पोर्ट्स डे पे नींबू पानी पी जाते हैं। पता नहीं कहां से ऐसी जादू शक्ति आती है उसके अंदर। अच्छा माँ से फोन करके बात कर लूं? गुस्से से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तुझे कार्टून बनती सूझ रही है? ना गुस्सा हो जाते हो ना आप भी। लाल हो जाते हो ना, बड़े क्यूट लगते हो, सच्ची कॉम्प्लेक्स हो जाता है मुझे। आ जा बैठो इधर। बैठ कर सोचते हैं कि जो हमने प्लानिंग की थी उसमें कमी क्या रह गई थी, है ना? जोकर जोकर मैं नहीं तारा। चलो अभी मुद्दे पे आ जाते। हाँ तो हम कहाँ थे? तारा की कमजोरियां। तो तारा की यादों में मृत्युंजय बसा है। तारा इरादों की बड़ी पक्की है और जिद्दी भी है वैसे बहुत। ए मिस क्या तरीका समझा रही है कि तारीफ कर रही है?
क्लासरूम में ऐसे बैठते हो? नीचे हो? वो क्या है ना पतिदेव, कि जब मैं उसकी बात करती हूँ ना, साथ ही में मेरी तारीफ भी हो जाती है। और आप टेंशन मत लो, उसके हर कांटे का इलाज है मेरे पास। वो अगर चट्टान बन के भी खड़ी हो जाएगी ना, तो भी पत्थर पिघलाने का तेजाब पैदा कर दूं मैं। आप बस देखते जाओ। नमस्ते दीदी साहब। अरे सुरैया, अरे मुझे क्या हुआ? ये चोट कहां मार के ले आई? क्या हुआ? घबरा क्यों रही है? चल कोई बात नहीं, तूने गलती की, तुझे सजा मिल गई। आगे ध्यान रखना, अभी नया काम आया है सामने, मौका है तेरे लिए अपनी भूल सुधारने का। पता है ना क्या करना है? हाँ दीदी साहब। इस बार मैं कुछ सोच कर आई हूँ। हम खुद सामान लेकर ना जाए तो कैसा रहेगा? अरे मुई, खुद सामान लेके नहीं जाएंगे तो सौदा कैसे होगा? हम माल बेचने और खरीदने वालों को किसी तीसरी जगह बुलाएंगे, इस तरीके से हमारा खतरा भी थोड़ा कम हो जाएगा दीदी साहब। आए हाय, एक ही हथौड़े में तेरे भेजे ने तो काम करना शुरू कर दिया। तो ठीक है फिर, तय रहा, हम एक जश्न करेंगे और उस शोर शराबे के बीच में आहिस्ता से हथियारों का आवागमन भी हो जाएगा। दीदी साहब, अगर उस जश्न में वो हमारा नया वाला दुश्मन आ गया तो होगा 1-2 का 4। वो दुश्मन आएगा अपने दो पैरों पर और जाएगा 4 कंधों पर। समझी गणित? लिख ले। बहुत खूब साथियों, बहुत खूब। मुकाबले के लिए तैयार रहो तुम सब, हमें कुछ करके दिखाना है। टेस्ट के प्रैक्टिस करो। One, two, 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 one. गुरुजी, टीम, खबर आई है। साथियों, कलावती एक बहुत बड़ा जश्न करने वाली है, इसकी आड़ में हथियारों की तस्करी होने वाली है। बहुत अच्छी खबर लाए हो बस्तदार। अब देखना हमें यह है कि कलावती के इस जश्न के शरबत में मातम का मसाला कैसे खोला जाए। कलावती को उसके पापों की सजा देने का समय आ गया है। निर्मला, बेटा आपने निर्मला को देखा? नहीं बाबा, सुबह से नहीं देखा। अच्छा, हम भी काफी देर से ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं दिख नहीं रहे। अच्छा वो आदि का है? उनका एक इंटरव्यू है आज। हमें भी अपने मित्र से मिलने जाना था, उसका नंबर निर्मला के पास। बाबा घर में खाने का सारा सामान खत्म हो गया है, कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। मालिक, छोटे सरकार
ये लीजिए, रख लीजिए। ये क्या है? बस ऐसे ही कुछ पैसे जमा करके रखे थे बैंक में, आज इस घर में जरूरत है तो ले आया। मियां ये हम कैसे ले सकते हैं? ये आपने अपने भविष्य के लिए बचा के रखे थे। हुजूर, मेरा तो कल भी इस परिवार से जुड़ा था, आज भी इस परिवार से जुड़ा और आने वाला कल भी इसी परिवार से जुड़ा रहेगा। आपसे कमाए थे, आपको ही दे रहा हूँ, रख लीजिए। नहीं फहीम मियां, अगर हम ये ले लेंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। कौन कहता है हमारे पास कुछ नहीं बचेगा? आप लोग नहीं हो क्या? आप लोगों का प्यार, तुंजे बाबा की यादें, ये सब अनमोल है मालिक। इसके आगे इस पैसे की कोई कीमत नहीं है। लेकिन फहीम चाचा, बस फहीम चाचा कहती हो ना, बड़ा हूं तुमसे। एक तरफ तो चाचा चाचा कहती और दूसरी तरफ पैसे लेने से इनकार करके पराया बना देती हो। हुजूर आप रख लीजिए इसे, अगर आपने इसे नहीं रखा ना तो हम यही समझेंगे कि आज भी हमारी इस घर में नौकर की औकात है। बस मियां, आपको शुक्रिया कहकर हम आपका अपमान नहीं करना चाहिए। अब आपके लिए कुछ लेकर मतलब कहाँ थी आप? हम यही पीछे गए थे। हम वहां गए थे लेकिन आप दिखे नहीं। हो सकता है हम थोड़ा आगे निकल गए हों, यहाँ दम घुट रहा था हमारे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हम ठीक हैं। कोई बात तो नहीं? नहीं सब ठीक है। बहुत बर्दाश्त नहीं हो, बहुत कोशिश कर रही हूं कि दीवार की जैसे खड़ी रहूं, पर मैं टूटती जा रही हूं। मेरी हिम्मत, मेरी ताकत सब टूटती जा रही है। तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं। मुर्दे जवाब नहीं देते। अपनी बहन और पूजनीय जीजाजी की बात न मानने के जुर्म में पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करती है। क्या? पकड़ो। ये सब क्या तमाशा है? हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। अरे ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, कानून के हिसाब से एक महिला गुनहगार को महिला पुलिस गिरफ्तार करने आई है। छोड़ मुझे, क्या कर रहा है? नहीं छोड़, आ चल। रुद्र प्रताप, हाथ छोड़ मेरा, छोड़ मुझे। जो भी बोलना है सोच समझ के बोलो, ये तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। तारा, तारा क्या हुआ माँ? तारा यहाँ कहाँ है? मुझे ऐसा लगा जैसे तारा किसी मुश्किल में। मैं भी कितनी पागल हूं, जो लड़की दूसरों के लिए मुश्किल बनी हुई है वो खुद कैसे मुश्किल में पड़ सकती है। आपको तारा की बहुत याद आती है। जो मर जाते हैं उनकी याद तो आती है ना मीठी। तारा और नंदू मेरे लिए मृत्युंजय के साथ ही मर चुकी है। मैं भले उन्हें याद करूं पर मैं जानती हूं कि दोबारा उनकी सूरत कभी नहीं देखूंगी, कभी नहीं। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? चिल्लाइए मत, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है। नंदू प्लीज चुप कर। क्या कहा था तूने? ना मृत्युंजय मेरी आत्मा में बसा है, राख बन जाऊंगी पर वो मेरी आत्मा से अलग नहीं होगा। तुमको सही कहा था नंदू, राख बन जाऊंगी पर मेरा मृत्युंजय मेरी आत्मा से कभी अलग नहीं होगा।
तू विधवा होने का नाटक क्यों करती है? बोल। अगर ऐसा है तो फिर तो तू सुहागन हो ना, तो बंद करना ये ढोंग फिर। पतिदेव, एक काम करते हैं, आज सजा डालते हैं इसे, इसके सफेद कपड़ों में भर देते हैं आजरा, थोड़ा बहुत श्रृंगार भी कर देते हैं, गले में मंगलसूत्र देखो और मांग भर देते हैं आज इसकी। नंदिनी देवी जी, कितनी अच्छी बात करती हैं आप, मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए। मुझसे अभी इस विधवा की या इस सुहागन की दुर्दशा नहीं देखी जाती। अरे है कोई पुरुष, कोई बाहुबली इस निर्दयी समाज में, जो इसके सफेद कपड़ों को लाल रंग से रंग सके? है कोई? यहाँ वहाँ क्यों ढूंढते हो, सामने तो खड़ी हूँ मैं। नंदु देख, इसकी बहन से बेहतर ऐसा कौन कर सकता है? नंदु, इसे देखा जाए तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मुझसे अच्छा कोई कर सके। नंदु, तुम पागल हो गई क्या? अपनी तारीफ बंद कर और इस अबला नारी पे ध्यान दे। एक सेकंड, देखो प्लीज, लाल रंग मेरे ऊपर मत डालना।